हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अबाउट द रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द फ्राउड्स मॉडल लॉ, और फिर उसके पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फ्राउड्स मॉडल लॉ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में भी बोला था, क्या बोला था, दैट द वैल्यू ऑफ फ्राउड्स नंबर फॉर मॉडल शुड बी इक्वल टू द फ्राउड्स मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि फ्राउड्स मॉडल लॉ बोल रहा हूं। और सिमिलरली जैसे हमने रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ में क्या देखा था कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों में इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, रही बात आ जाती है कि यहाँ पर जो फ्राउड्स नंबर है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एल। तो इसको मैं लिख देता हूं एम एम, और एम इज इक्वल टू वी पी अपॉन अंडर रूट ऑफ जी पी एल एम एल पी। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। लेकिन अगर अगेन मैं इधर से मैं मान लेता हूं दैट इफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप, क्योंकि हम लोग जनरली एक्चुअली सेम कंडीशंस में ही तो टेस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं अर्थ पर बनाना चाह रहा हूँ, मैं मार्स पर जाके टेस्टिंग करूँ मॉडल की, ऐसा तो होना नहीं है। इसलिए जनरली अगर मैं बात करता हूँ, मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर टेस्टेड अंडर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर सेम जी, यस और नो? क्योंकि भाई जी की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी ना हमारे मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए, तो जी की वैल्यू तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ यहाँ पर अधिकतर बार। तो ये जब जी की वैल्यू कैंसिल आउट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट वी एम बाय वी पी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल एम बाय एल पी, यस और नो? सो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ दैट वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो अंडर रूट ऑफ लेंथ रेशियो, सो ऑफ कोर्स इसको आप लोग यहां पर इजिली याद कर सकते हो फॉर द फ्राउड्स मॉडल लॉ। अब बात करते हैं, ये तो हमने यहां पर निकाल लिया रेशियो फॉर द वेलोसिटी। अब अगर मैं बात करता हूं, चलिए यहां पर टाइम के लिए भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो देखिए टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो जब मैं टाइम का रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ रेशियो टू द वेलोसिटी रेशियो। अच्छा, लेंथ रेशियो को मैंने एल आर ही लिख देता हूं, लेकिन वेलोसिटी रेशियो को क्या लिखता हूं, एज अंडर रूट ऑफ एल आर। सो हेंस यू कैन राइट नाउ हियर एज टाइम रेशियो विल बी इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ लेंथ रेशियो। सिमिलरली यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर एक्सेलरेशन के लिए मैं रेशियो निकालूं, इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए रेशियो लिखाऊंगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो अपॉन टाइम रेशियो, यस और नो? टाइम रेशियो को मैंने कैपिटल टी लिखा है, तो टी आर लिख देता हूं। सो इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर यहां पर पूछता हूं व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेशियो का अंडर रूट, और टाइम रेशियो भी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेशियो का अंडर रूट। सो ऑफकोर्स एक्सेलरेशन रेशियो विल बी इक्वल्स टू वन। ये आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ये तो हो गया एक्सेलरेशन रेशियो। सिमिलरली अगर मैं आपको पूछता हूँ दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स रेशियो, तो चलिए फोर्स रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ, तो फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, रो इंटू ए इंटू एल इज योर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज वी बाय टी। सो इसी को अगर आप लोग लिखना चाहें तो रो ए वी स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? ठीक है, सो अगेन एरिया को मैं लिख सकता हूं एज लेंथ रेशियो। सो देखिए फोर्स रेशियो विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी रेशियो, एरिया को मैं लिख सकता हूं लेंथ रेशियो का स्क्वायर, और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एल आर का स्क्वायर। सो हेंस यू कैन हियर से दैट इट विल बी इक्वल्स टू रो रेशियो इनटू एल आर क्यूब। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर योर फोर्स रेशियो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहां पर डेंसिटी की वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब मैं सेम फ्लूइड अगर यूज करता हूं मॉडल और प्रोटोटाइप में, तो ये रो रेशियो जो है वो भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। दैट मींस फोर्स रेशियो विल बी इक्वल्स टू लेंथ रेशियो का क्यूब हो जाएगा। किस तरह से यहां पर हम लोग ये रेशियोज की कैलकुलेशन करते हैं, आई होप आप भी अब समझ पा रहे होंगे। सेम इसी तरह से हमने करा था इन योर रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो बात कर ली हम लोगों ने फोर्स की, तो अभी मैंने फोर्स के लिए, अच्छा मैं यहाँ पर अगर मान लेता हूँ दैट इफ
रो ऑफ मॉडल एंड रो ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल देन रो रेशियो विल बी इक्वल्स टू 1. तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दैट फोर्स रेशियो विल बी इक्वल्स टू एल आर रेस टू पावर 3. इस तरह से लिख लेते हैं. अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट. यहां पर क्वांटिटी के लिए चार हो चुकी थी, पांचवी क्वांटिटी फोर्स के बाद. सिमिलरली मैं यहां पर लिख देता हूं अबाउट द एनर्जी. तो देखिए, अगर मैं एनर्जी रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है. तो लेकिन वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो दैट कैन बी रिटन एज फोर्स रेशियो इनटू डिस्प्लेसमेंट रेशियो. और फोर्स रेशियो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो दैट इज इक्वल्स टू लेंथ रेशियो क्यूब इनटू एलआर. सो हेंस यू कैन हियर से दैट द एनर्जी रेशियो विल बी इक्वल्स टू एलआर की पावर 4. ठीक है, तो ये इजीली आप इस तरह से यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो. अच्छा, सिमिलरली अगर मान लीजिए ये तो हो गया एनर्जी रेशियो. सिमिलरली अगर वो मेरे को मान लो पूछता है व्हाट इज द पावर रेशियो, तो अगर मान लीजिए पावर का फॉर्मूला लिखता हूं तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम. बेसिक फॉर्मूला तो ये याद ही है आप लोगों को. अच्छा, एनर्जी रेशियो अपॉन टाइम रेशियो लिख सकता हूं अगर मैं पावर के रेशियो को कैलकुलेट कर रहा हूं तो. हाँ, है ना, ठीक है. अच्छा ये बताओ, चलो अभी एनर्जी रेशियो क्या होता है, तो एनर्जी रेशियो इन टर्म्स ऑफ लेंथ रेशियो विल बी इक्वल्स टू एल आर रेस टू पावर 4. और टाइम रेशियो की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल आर. सो हेंस पावर रेशियो विल बी इक्वल्स टू एल आर रेस टू पावर 3.5. ये आप इजिली यहां पर याद रख सकते हो. याद नहीं रखना एक्चुअली, लेकिन इनको अगर आप 2-3 बार डिराइव कर लोगे तो ये सब अपने आप ही आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा हमेशा के लिए. सिमिलरली चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया हमारा चौथा, पांचवा, छह हो चुके हैं. अब सेवंथ देख लेते हैं कि अगर मेरे को प्रेशर का रेशियो पूछा जाए तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. ये आप सभी जानते हो. एरिया बोलो चलो रेशियो के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहो. फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ रेशियो का क्यूब था, है ना, और साथ में रो भी था. लेकिन अगर एरिया की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ रेशियो का स्क्वायर. यस और नो? सो इसका मतलब मैं पावर सॉरी यहां पर प्रेशर का रेशियो अगर कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी रेशियो इनटू लेंथ रेशियो. क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारे लिए प्रेशर के लिए. सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं यहां पर 8th क्वांटिटी, दैट इज अबाउट द डिस्चार्ज. मैं क्यू लिख देता हूं. चलिए देखिए यहां पर क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, so that will be equals to meter cube per second, that is volume ratio upon time ratio. अच्छा, volume ratio is equals to क्या हो जाएगा, length ratio का cube, है ना. so of course अगर मैं यहाँ पर discharge ratio लिख रहा हूँ तो length ratio का cube तो ऊपर है ही, time ratio क्या लिख सकता हूँ as length ratio का under root. so hence you can directly say here that the discharge ratio will be equals to length ratio raised to power 2.5. So easily ये क्वेश्चन तो आप ये सॉरी ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये तो था पार्ट जो कंसेप्ट आपको यहाँ पर सीखने हैं और याद रखने हैं. अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है. पहला क्वेश्चन आप लोग रीड कर सकते हैं, दैट इन द मॉडल टेस्ट ऑफ अ स्पिलवे द डिस्चार्ज इन वेलोसिटी ओवर द मॉडल वर. मेरे को डिस्चार्ज दे दिया है फॉर द मॉडल एज 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. और ये क्या है 1.5, दैट इज द वेलोसिटी इन मॉडल इज गिवन एज 1.5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज ओवर द प्रोटोटाइप विच इज 36 टाइम्स द मॉडल साइज. इसका मतलब लेंथ रेशियो में ध्यान दीजिएगा. ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि लेंथ रेशियो आप मॉडल टू प्रोटोटाइप ही लेते हो हर बार. जो भी आप रेशियो ले रहे हो ध्यान दीजिएगा, कभी हो सकता है मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप की वैल्यू दी हो सकता है कभी प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल की वैल्यू दी हो. जो भी रेशियो है उसको सेम वैसा के वैसा ही ले लेना बाकी सब में भी. ठीक है, तो देखिए लेंथ रेशियो भी मैं क्या मान रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू क्या है हमारा लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप टू लेंथ ऑफ मॉडल लेता हूं. तो प्रोटोटाइप क्या बोल रहा है 36 टाइम्स ज्यादा है. सो ऑफ कोर्स ये रेशियो हो जाएगा 36 अभी. लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रोटोटाइप टू मॉडल लिया मैंने अभी रेशियो. अभी देखते चलिए आगे.
नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी रेशियो की बात कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मेरे को ये बता दो, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लेंथ रेशियो। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी मेरे को निकालनी किसके लिए है, प्रोटोटाइप के लिए निकालनी है। तो VP अपॉन VM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ LP अपॉन LM। अच्छा, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप हम लोगों को ये पता है कि भाई प्रोटोटाइप ज्यादा बड़ा है, सो ऑफ कोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36। ये रेशियो हम लोगों को पता है। और VP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस अंडर रूट ऑफ 36 इंटू VM। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, VM की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, ये आ जाएगा अंडर रूट में एज 6, और VM की वैल्यू क्या है 1.5, हेंस VP विल बी इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको यहाँ पर पूछा गया है। अब चलिए आगे बढ़ते, सिमिलरली डिस्चार्ज की वैल्यू भी अगर वो आपको पूछता है तो क्या करते, सो QP अपॉन QM इज इक्वल्स टू, आप लोगों को पता है दैट इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था, QR इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, लेंथ रेशियो की पावर 2.5। याद है क्या? हाँ बिल्कुल याद है, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो चलिए लेंथ रेशियो यहाँ पर लिख देता हूँ, LP अपॉन LM रेज टू पावर 2.5। सो QP इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये रेशियो में जरा चेक कर रहे, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप टू मॉडल इज इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज 36। सो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ एज 36 रेज टू पावर 2.5 इनटू QM, और डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप विल बी इक्वल्स टू, इसका अगर मैं यहाँ पर रेज टू पावर 2.5 करूंगा और साथ में QM की बात करें तो QM दिया हुआ है इनटू 2.5। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 36 रेज टू पावर 2.5। ये वैल्यू खैर बहुत बड़ी आएगी, बट ठीक है, आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट इसको इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन देखिए जब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कई बार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्वेश्चन है, मेन बात जो समझने वाली है कि भाई व्हाट इज द स्केल जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है वो मॉडल की है कि प्रोटोटाइप की है, ये समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती। बाकी रही बात जो फॉर्मूलेज हैं वो तो खैर बहुत ज्यादा इजी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू टो अ 1:30 स्केल मॉडल ऑफ अ मोटर बोट। देखिए मोटर बोट का मेरे को यहाँ पर मॉडल बनाना है इन अ लेक एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इज 0.5 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्स बोल रहा है ये किसको टो करने के लिए बोल रहा है, ये फोर्स बोला टू टो, इसको हटा दो, टू टो अ मॉडल ऑफ मोटर बोट। इसका मतलब ये जो फोर्स दिया है दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड इन मॉडल, कितना दिया है, दैट इज इक्वल्स 2.5 न्यूटन, और ये जो मॉडल है मॉडल की ही स्पीड आपको दी गई है एज 2 मीटर पर सेकेंड। Assuming that the viscous resistance, अच्छा ये रेशियो जो दिया है ये बताओ मॉडल बोट का बड़ा होगा कि एक्चुअल बोट, पक्की बात है मॉडल जो बनाओगे वो छोटा बनाओगे। सो ये जो रेशियो दिया है 1:30 वो क्या होगा, मॉडल इज टू प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप बड़ा है, और ये रेशियो दिया है यहाँ पर वेलासिटी नहीं लिखनी चाहिए थी मेरे को, वेलासिटी की जगह क्या पुट करूँ मैं, लेंथ पुट करना चाहिए, ठीक है ना। सो ऑफकोर्स इसको पहले लेंथ पुट कर देते हैं यहाँ पर, length of model to the length of prototype। आगे क्या बोल रहा है, assuming that the viscous resistance due to water and air is negligible in comparison with the wave resistance। ठीक है, मेरे को viscous resistance को neglect करना है, और viscous resistance को neglect कर दिया मतलब पक्की बात है यहाँ पर gravitational force important हो जाएगा हमारे लिए। आगे क्या बोल रहा है, calculate the corresponding speed of prototype for dynamically similar conditions, और क्या बोल रहा है करस्पॉन्डिंग स्पीड बताना है सबसे पहले। तो अब अगर मैं आपको पूछता हूं दैट VP अपॉन VM इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ LP अपॉन LM, है ना। तो मेरे को ये पूछ ही क्या रहा है, वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप पूछ रहा है, तो वेलोसिटी इन प्रोटोटाइप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये रेशियो क्या है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 30 इनटू VM, और VM की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2। सो ऑफ कोर्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 10.95 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया VP की वैल्यू। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि सर मेरे को फोर्स भी निकालना है, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था, फोर्स के लिए, चलिए फॉर्मूला याद ना भी हो तो ये तो याद होगा ही आपको,
रो ए वी स्क्वायर, हाँ है ना। सो अगर मैं डेंसिटी को यहाँ पर सेम मान लेता हूँ, है यहाँ पर सेम क्योंकि वाटर ही यूज करा गया है, तो ऑफकोर्स ये इस तरह से लिख सकते थे। सो इसको देखिए, एल आर स्क्वायर इंटू वेलासिटी रेशियो स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं एज वेल एल आर का क्यूब, यस और नो? ठीक है। सो अभी चलो मेरे को ये बताओ, फोर्स रेशियो मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स इन प्रोटोटाइप अपॉन फोर्स इन मॉडल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन लेंथ ऑफ मॉडल रेस्ट पावर 3। ठीक है, और इधर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये रेशियो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 30, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आया ना क्वेश्चन में ये दिख रहा है, 30 दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। और साथ में देखेंगे तो व्हाट इज एफपी, एफपी निकालना है, और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दूं? एफएम मल्टीप्लाई कर दूं। सो ऑफ कोर्स यहां से आप लिख सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ एफपी विल बी इक्वल्स टू 30 क्यूब, और एफएम की बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.5 हमारा यहां पर ये फोर्स था, सो ऑफ कोर्स 0.5 न्यूटन इधर वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स ये रेशियो जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फाइनली, ऑफ कोर्स आपको एफपी मतलब फोर्स इन प्रोटोटाइप की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट कर ले और बता दे यहाँ पर फाइनली आंसर क्या आ जाता है। आई होप क्वेश्चन करना किस तरह से है ये जरूर क्लियर होगा। लास्ट की बस एक छोटी सी कैलकुलेशन है, वो आप खुद ही से करेंगे। अभी खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी रीड करते हैं। क्वेश्चन खैर काफी बड़ा है, आराम से रीड करना। बोलता है दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पिलवे, स्पिलवे जहां बोल दिया मतलब फ्राउड्स नंबर यूज होने वाला है, फ्राउड्स मॉडल लॉ, आर टू बी स्टडीड बाय मींस ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल कंस्ट्रक्टेड टू द रेशियो ऑफ 1:10। स्पिलवे का भी अगेन मॉडल बनेगा तो छोटा बनेगा, मतलब ये जो रेशियो दिया है वो किसका है? एल एम अपॉन एल पी की वैल्यू क्या दे दी है? 1:10, क्योंकि प्रोटोटाइप बड़ा होगा। आगे बोल रहा है इफ द मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो इन प्रोटोटाइप इज 28.3 क्यूसेक्स, नहीं बल्कि क्यूमैक्स होना चाहिए, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग फ्लो इन मॉडल, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। डिस्चार्ज रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ रेशियो रेस्ट टू पावर 2.5, ये आपने पढ़ा है। डिस्चार्ज रेशियो मतलब क्या बोल रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर डिस्चार्ज रेट है किसमें है? प्रोटोटाइप में है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से क्यू पी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एल पी अपॉन एल एम रेस टू पावर 2.5, यस और नो? अच्छा यहां पर आगे देखेंगे मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना क्यू एम की वैल्यू, है ना। सो ऑफ कोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू एल पी अपॉन एल एम की वैल्यू क्या है? 10 है यहां पर, तो 10 रेस टू पावर, या फिर यून मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ, मैं काम करता हूँ पूरी कैलकुलेशन से एक बार वापस से करते हैं, ठीक है। तो क्यू पी अपॉन क्यू एम इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, और एल पी अपॉन एल एम में क्या है? वैल्यू है 10 रेस टू पावर 2.5। मुझे निकालना क्या है क्यू पी, सॉरी क्यू एम की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन 10 रेस टू पावर 2.5। क्यू पी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है हम लोगों को एज 28.3, और ये हो जाएगा 10 रेस टू पावर 2.5। तो इजीली यहां से आप QM की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एंड दिस विल कम अप टू बी 0.0895 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट विल बी द डिस्चार्ज इन मॉडल, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हो जाता है, सॉरी फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी If the measured velocity in the model is 2.4 meter per second, what will be the corresponding velocity in prototype? तो ये तो हो गया हमारा first part. Second part में क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को velocity ratio निकालना है, और velocity ratio is equals to क्या होता है? Length ratio का under root, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, तो मेरे को निकालना है यहाँ पर model के लिए velocity दी है, तो prototype में निकालना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ VP अपॉन वी एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल पी अपॉन एल एम का अंडर रूट, नीचे लिखना था मेरे को मॉडल, ठीक है, ठीक है। तो इधर अगर मैं चेक करता हूँ, वी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी एम अपॉन सॉरी इनटू अंडर रूट ऑफ एल पी अपॉन एल एम, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10। तो वी एम की वैल्यू कितनी दे दी है? वेलोसिटी इन मॉडल इज गिवन एज 2.4 मीटर पर सेकेंड, सो 2.4 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे।
और ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी दैट विल कम अप टू बी अराउंड 7.58 मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वीपी. ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो जाता है. थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक जंप है जिसकी वैल्यू पहले कितनी दिख रही है, 50 mm, लेकिन किस में दिख रही है, मॉडल में. ठीक है, तो हाइट इन मॉडल इज गिवन एज, हाइट इज इन मॉडल इज गिवन एज 50 mm. पक्की बात है, शायद प्रोटोटाइप में ही पूछ रहा होगा व्हाट विल बी द हाइट ऑफ जंप एंड प्रोटोटाइप. ठीक है, सो ऑफ कोर्स हम लोगों को ये पता है दैट HM या चलिए HP अपॉन HM इज इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, LP अपॉन LM, क्योंकि है तो ये हमारी लेंथ ही. सो HP की वैल्यू निकालनी है और HM की वैल्यू पता है कितनी है, 50 mm है, और ये रेशियो कितना दिया हुआ, दैट इज गिवन एज 10. सो ऑफ कोर्स H विल बी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा मॉडल का नहीं होगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स ये उल्टा करा है मैंने, खैर. सो लेंथ किसकी ज्यादा है, प्रोटोटाइप की ज्यादा है. सो ऑफ कोर्स ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 10. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 50 × 10, बट दैट विल बी इन mm. सो ऑफ कोर्स HP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 mm, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 cm. ये हो जाएगा हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन प्रोटोटाइप. आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इन द मॉडल इज 3.5 न्यूटन मीटर. ये वैल्यू मेरे को किस में दी है, मॉडल में दी है, तो बोल रहा है कि भाई प्रोटोटाइप में कितना होगा. तो व्हाट इज द एनर्जी लॉस इन मॉडल, ये दिया है, ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड पार्ट है. सो दैट इज गिवन एज 3.5 न्यूटन मीटर. ठीक है, सो पूछ क्या रहा है अगेन, यहां पर अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई एनर्जी क्या होती है, तो दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं. फोर्स के लिए मैंने क्या चेक करा, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ रेशियो रेज़ टू पावर 3 के बराबर होता था. अच्छा ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन साथ में दिया क्या है, एनर्जी पर सेकेंड बोला है. सो ऑफ कोर्स ये पर सेकेंड है, एनर्जी पर सेकेंड की वैल्यू इतनी दी है. ठीक है ना, ऑफ कोर्स एनर्जी पर सेकंड कुछ और नहीं होता बल्कि दैट इज एक्चुअली द पावर, और पावर रेशियो क्या होता है, इज इक्वल्स टू होता है लेंथ रेशियो रेज़ टू पावर 3.5. डेराइव करा है, चेक कर लेंगे इसी लेक्चर में. सो पावर रेशियो मेरे को निकालना किस में है, तो प्रोटोटाइप में निकालना है. मॉडल में मेरे को पता है इज इक्वल्स टू LP अपॉन LM रेज़ टू पावर 3.5. सो पावर इन प्रोटोटाइप विल बी इक्वल्स टू 3.5 × LP ज्यादा है कि LM, नहीं LP ज्यादा है, तो 10^3.5. इसको आप लोग इजीली यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 11067 Nm एज PP. इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाता हमारा पावर इन प्रोटोटाइप. तो देखेंगे यहाँ पर शायद चार ही पार्ट थे और चारों ही पार्ट हम लोगों ने बहुत इजीली यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं. खैर आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखा है, ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं और इनमें कैलकुलेशंस को बिल्कुल ध्यान रखना है. जो रेशियो आपने लिया है प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल लिया है, तो वो बाकी में भी वही लेना है, ये चीज़ को ध्यान रख लेना. तो बस यही एक यहाँ पर समझने वाली बात होती कैलकुलेशंस करते टाइम कि देखिए अगर मैंने LM अपॉन LP की वैल्यू 1/10 ली है, तो आगे चल के भी वही चीज़ लेनी है. ठीक है ना, और जो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिख रहे हैं वही होनी चाहिए आगे भी. लेंथ रेशियो ये जरूरी नहीं होता है, LR लिखा है तो दैट इज मॉडल टू प्रोटोटाइप हो या प्रोटोटाइप टू मॉडल हो, नहीं ऐसा नहीं होता. अगर आप प्रोटोटाइप टू मॉडल ले रहे हो तो उसको प्रोटोटाइप टू मॉडल ही लेना है, चाहे फिर वो लेंथ में ले रहे हो, चाहे वो आप वेलोसिटी में ले रहे हो, चाहे वो आप एक्सेलरेशन में लो या डिस्चार्ज में लो. तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेशियो में जो भी चीज़ ऊपर लिए एक पर्टिकुलर रेशियो में, वही आपको लेना है, बाकी में भी ऊपर लेना होगा. सो खैर आई होप ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों से भी बहुत इजीली बन गए होंगे. अगर नहीं बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सेम लेक्चर में जो क्वेश्चंस करवा एक बार और वापस से देखें और फिर प्रैक्टिस करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की. खैर हम लोग करेंगे अभी चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे. हैप्पी इंजीनियरिंग.